फ्यूचर ट्रेड करने वालों में से 90% लोगों को एक बात नहीं पता होती है जो कि पता होनी चाहिए सभी को, जो लोग भी यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड करते हैं, क्योंकि अगर आपको ये बात नहीं पता है तो आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर सकते, और जब आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर सकते तो आप प्रॉफिट में भी नहीं रह सकते। ये बात आपको जहन में बिठा लेनी है। कौन सी बात की मैं बात कर रहा हूँ कि फ्यूचर ट्रेड करने वालों में से 90% लोगों को नहीं पता है, वो है कि हम जिस क्वाइन पे भी, जिस प्राइस पे एंट्री ले रहे हैं, जिस भी लिवरेज के साथ प्राइस कहीं पे भी जा रहा है, तो हमारा कितना लॉस होगा, हमारा कितना प्रॉफिट होगा, ये कैलकुलेशन मैक्सिमम लोगों को करना नहीं आता है कि हम ओवरऑल कितने प्रॉफिट में या कितने लॉस में जा सकते हैं। अगर मार्केट 1% पंप होता है या फिर 1% डंप होता है तो हमारे ट्रेड के अकॉर्डिंग हमारा कितना लॉस होगा या फिर कितना प्रॉफिट होगा, ज़्यादातर वो डिपेंड करता है कि आपने लिवरेज कितना ले रखा है। तो यही सारी कैलकुलेशन करना आज आपको मैं सिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। इसके साथ साथ हमारा जो भी ट्रेड लगा हुआ है वो ट्रेड हमारा कब जीरो हो जाएगा, किस प्राइस पे जाके लिक्विडेट हो जाएगा, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सूर्या ट्रेडिंग टिप्स में। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक जरूर करिएगा। अगर आप पहले से भी जानते हैं तो भी सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको डिफरेंट वे में नॉलेज में ट्राई करता हूं देने की, जो कि आपको कहीं और से नहीं मिल सकती, समझ रहे हैं। तो फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, और आज यहां पे हम जानेंगे कि हम फ्यूचर ट्रेड कर तो सकते हैं, नो डाउट बहुत ही आसान होता है। हमने एक वीडियो देखा फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करें, और यहाँ पे हम फ्यूचर ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि हम जिस प्राइस पे एंट्री ले रहे हैं, जिस लिवरेज के साथ, अगर वो प्राइस कहीं पे भी मूवमेंट करा तो हमारा कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है, वो कैलकुलेशन आपको नहीं पता होता है। हालांकि मैक्सिमम एक्सचेंज पे आपको मिल जाता है कि आप वहां पे जाके कैलकुलेट कर सकते हैं, एक कैलकुलेटर दिया रहता है, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको मैनुअली तो आना चाहिए ना, खुद से भी तो आपको आना चाहिए कि हम यहाँ पे खुद से कैसे कैलकुलेशन सारी चीज़ों को लेके कर सकते हैं कि हमारा लॉस कितना होगा, कितना प्रॉफिट होगा, वो आपको आना चाहिए। एक्सचेंज आपको कैलकुलेटर देते हैं, वहां से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन ओवरऑल आपको यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे चूज करते हैं भैया क्वाइन। आप जिस क्वाइन पे फ्यूचर ट्रेड लेना चाहते हैं वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, उसका बाकायदे जो भी प्राइस चल रहा होगा वो आपको यहाँ पे पता होगा, 19,307 अभी का बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है, यहाँ पे BTC सिलेक्ट है, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि इस प्राइस पे अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं, हम इसको आसान भाषा में समझने के लिए हम इसको मान लेते हैं $10,000 अभी यहाँ पे प्राइस चल रहा है, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन आसानी होगी मेरे लिए वीडियो बनाने के लिए। बाकी आप लोग इस मेथड से निकाल सकते हैं कि हमारा कितना लॉस एंड प्रॉफिट होगा। यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर बिटकॉइन का प्राइस $10,000 चल रहा है, अगर यहाँ पे हम 5x या 10x, अभी हम 5x मान लेते हैं, अगर हमने यहाँ पे 5x लिवरेज के साथ एंट्री ली है तो हमारा लिक्विडेट किस प्राइस पे जाके होगा। अगर हम यहाँ पे लॉन्ग ओपन करते हैं तो हमारा फंड जीरो कहाँ हो जाएगा, मतलब वो लिक्विडेट किस प्राइस पे जाके होने वाला है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिक्विडेट किस प्राइस पे होगा, अगर हम यहाँ पे लॉन्ग करते हैं 5x लिवरेज के साथ, $10,000 अभी प्राइस चला है, तो हमारा लिक्विडेशन प्राइस क्या होगा, उसको निकालने के लिए आप देखिए, जो आप यहाँ पे 5x लिवरेज ले रहे हैं और यहाँ पे जो परसेंटेज होता है वो 100%, ठीक है, यानी 100% आपका पैसा कब जीरो हो जाएगा वो आपको पता चलेगा, इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा जितना आपने लिवरेज लिया है यानी 5 से, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप यहाँ पे 100% आपका पैसा जीरो हो गया, मतलब 100% लॉस हो गया, तो आप यहाँ पे जितना आपने लिवरेज लिया हुआ है उसको आपको यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 20, यानी 20% प्राइस जो है कि आपके अपोजिट में मूवमेंट कर गया। अगर आपने यहाँ पे लॉन्ग लेके रखा हुआ है और यहाँ पे प्राइस चल रहा है $10,000 पे, अगर ये 20% प्राइस यहाँ पे डाउन आ गया, ठीक है, बिटकॉइन का या फिर किसी भी क्वाइन का 20% प्राइस अगर डाउन आ गया, हमने 5x का लिवरेज लिया था, तो हमारा फंड जीरो हो जाएगा, समझ रहे हैं। अब देखिए 20% का मतलब, अगर यहाँ पे प्राइस चल रहा है $10,000 और यहाँ पे 20% डाउन आ गया, तो यानी $2,000, यानी $2,000 का मतलब हुआ $8,000 पे जैसे ही प्राइस आएगा, इसमें थोड़ा सा फीस वगैरह इंक्लूड होता है, तो $8,005 या $8,010 पे ही आपका लिक्विडेट हो जाएगा। वो चीज इस वीडियो में मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हर एक्सचेंज पे अलग अलग फीस होता है। तो यहाँ पे जैसे ही 20% मार्केट डंप हो गया, अगर आपने वहां पे लॉन्ग किया हुआ था 5x लिवरेज के साथ, तो आपका लिक्विडेट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने यहीं पे 10x का लिवरेज लिया होता और यहाँ पे 100% आपका पैसा तब लॉस होता जब यहाँ पे आप
आपको यहाँ इससे डिवाइड कर देना है यानी 10 से, तो आपका यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप 100 से डिवाइड करेंगे 10 को तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, यानी 10% मार्केट अगर क्रैश होता है, आपने लॉन्ग लिया हुआ है 10x से, तो आपका वहाँ पे लिक्विडेट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो प्राइस चल रहा है $10,000 प्राइस चल रहा था, आपने यहाँ पे लॉन्ग किया हुआ था 10x के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे अगर 10% मार्केट डंप होता है यानी 10% यानी $10,000 का 10% होता है $1,000, ठीक है, यानी $1,000 का मतलब हुआ कि यहाँ पे $9,000 जैसे ही प्राइस आएगा तो आपका जो फंड था, चाहे आप $100 का आपने ट्रेड लिया हो, चाहे वो आपने $5,000 का ट्रेड लिया हो, आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है, वो खत्म, नील बटा सन्नाटा हो जाएगा। यानी आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है, जैसे जैसे आपका लिवरेज यहाँ पे बढ़ता जाएगा, आपका लिक्विडेशन प्राइस जो है वो घटता जाएगा, समझ रहे हैं। अगर आपने यहाँ पे 100x का लिवरेज ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे आपका फंड जीरो तब हो जाएगा, यानी 100% जो होता है उसको आप डिवाइड कर देंगे, क्योंकि आपका यहाँ पे 100 लिवरेज है, तो यहाँ पे कट पुट कर देंगे तो 1% आ गया, तो यहाँ पे 1% मार्केट जैसे ही डाउन आ गया, अगर आपने यहाँ पे लॉन्ग लिया है तो मार्केट आपके अपोजिट यानी डाउन आ गया, तो आपका फंड जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ है तो यहाँ पे मार्केट 1% ऊपर चला जाएगा, तो आपका पूरा पूरा फंड जीरो हो जाएगा। यानी कुल मिला के मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा आपका लिवरेज है, ठीक है, उतना ही ज्यादा आपका यहाँ पे रिस्क हो रहा है, क्योंकि क्रिप्टो में 1% का फ्लैक्चुएशन तो आपका मतलब मिनटों में, ऐसे मिनटों में हो जाता है, तो आप समझिए मिनटों में आपका फंड गायब हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया है। अगर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे भी तो अगर आप यहाँ पे 100x का लिवरेज ले रहे हैं तो कभी भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, क्योंकि फ्लैक्चुएशन थोड़ा बहुत हमेशा होता ही रहता है, ऐसा नहीं कि प्राइस ऐसे ऐसे नहीं जाता, प्राइस थोड़ा ऊपर जाएगा नीचे आएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा नीचे आएगा, इस तरह से प्राइस मूवमेंट करता है, और इतने में थोड़ा सा अगर नीचे आया तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, या फिर 1% अगर आपने 100x का लिवरेज लिया हो तो 1% तो कभी भी हो जाता है, ठीक है, तो आपका पूरा पूरा फंड साफ हो जाएगा। तो आपने यहां पे सीखा, अब जैसे यहां पे आपने अगर 1x का लिवरेज लिया होता तो आपका फंड तब जीरो होता, यहां पे आप यहां पे समझ लीजिए कि 100/100 / 1, यानी इसको कट करेंगे तो यानी 100% जब आपका जो है मार्केट क्रैश हो जाएगा, जैसे बिटकॉइन अगर यहां पे $10,000 चल रहा है, ठीक है, प्राइस, और यहाँ पे 100% क्रैश का मतलब ये हो गया $10,000 का 100% भैया $10,000 होगा, यानी $10,000 का पूरा पूरा प्राइस एकदम $1 पे आ जाता है, तब भी आपका यहाँ पे लिक्विडेट नहीं होगा, आपका फंड जीरो नहीं होगा, मतलब वो भी पॉइंट में हो जाएगा, मतलब हो सकता है कि $1 बचे या फिर $0.5 बचे, मतलब कुल मिला के जीरो नहीं होगा, लेकिन जैसे ही वो प्राइस ऊपर जाने लगेगा तो आपका वहां पे वैल्यू बढ़ने लगेगी, ठीक है, इस तरह से कुल मिला के ये आपका स्पॉट ट्रेड की तरह काम करने लगेगा, अगर आप यहाँ पे 1x का लिवरेज लेते हैं तो। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमारा लिक्विडेशन प्राइस क्या हो सकता है, हमारा कितना परसेंट मार्केट फ्लक्चुएट करेगा तो हमारा फंड जीरो हो जाएगा। अब परसेंटेज निकालना तो आपको आता ही होगा। अब यहाँ पे हमने बिटकॉइन का एग्जांपल आपको बताया कि आप $10,000 से, अगर यहाँ पे मैंने एग्जांपल देके बताया, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे इथेरियम है तो इथेरियम का प्राइस मान लीजिए 1,000 चल रहा है, तो उस हिसाब से यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट होगा, ठीक है। अगर BNB कॉइन है तो $200 का अगर प्राइस चला तो उस हिसाब से यहाँ पे परसेंटेज आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। परसेंटेज अगर आपको निकालना नहीं आता है तो आप लोग बता दीजिएगा, मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो में बता दूंगा कि इस तरह से परसेंटेज निकाला जाता है, या फिर आप गूगल भी कर सकते हैं, इतने भी आप अनजान नहीं है। तो यहाँ पे आपने सीख लिया कि हमारा लिक्विडेशन प्राइस क्या होता है। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मार्केट किसी भी लिवरेज के साथ आपने ट्रेड लिया हुआ है, मार्केट इतना परसेंट अगर पंप हो रहा है तो आपका कितना प्रॉफिट होगा। अब सपोज दैट कि यहाँ पे $10,000 का प्राइस है, ठीक है, बिटकॉइन का, और यहाँ पे आपने $100 के साथ यहाँ पे ट्रेड लिया, समझ रहे हैं, 2x लिवरेज के साथ आपने $100 का ट्रेड लिया, और यहाँ पे मार्केट जो है 1% अप जाता है, यानी आपने यहाँ पे लॉन्ग किया हुआ था, शॉर्ट नहीं किया था, ठीक है, लॉन्ग किया हुआ था, और मार्केट 1% अप जाता है, तो आपका कितना प्रॉफिट होगा। अब देखिए, ये प्रॉफिट निकालने के लिए आपको जितना परसेंट मार्केट अप होता है उसका आपको गुणा करना पड़ेगा, यानी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितना, जितना आपका लिवरेज है, समझ रहे हैं, यानी 1% मार्केट अप हुआ और आपका लिवरेज यहाँ पे था 2x, यानी 1 × 2 हो गया 2, अब यहाँ पे 2 आ गया, यानी 2% आपका यहाँ पे प्रॉफिट होगा, और आपका टोटल अमाउंट कितना था $100 का, तो $100 का 2% आपको निकालना पड़ेगा, कितना आ गया $2, तो आपका यहाँ पे $2 का प्रॉफिट हो गया, समझ रहे हैं। अब जैसे इसको एक बार मैं फिर से बता देता हूं, जैसे आपने यहां पे $100 का ट्रेड लगाया हुआ है, बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है $10,000, यहां पे आपने 5x का लिवरेज लिया हुआ है, और मार्केट जो है 5% पंप होता है, कितना परसेंट,
5% अगर मार्केट अप होता है, आपने यहां पे लॉन्ग किया हुआ है, उस कंडीशन की बात मैं कर रहा हूं। तो यहां पे 5% प्राइस अप होता है बिटकॉइन का, आपने 5x का लीवरेज लिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, जितना परसेंट अप होता है मार्केट उसका और जितना लीवरेज है दोनों का आपको यहां पे गुणा कर देना है। कितना आएगा, 5 × 5 आ गया यहाँ पे 25, यानी 25% ओवरऑल आपका यहाँ पे प्रॉफिट होगा। और आपका टोटल बैलेंस कितना था, $100 का आपने यहाँ पे ट्रेड लगाया था, तो 100 का 25% कितना हो गया, $25, तो आपका टोटल जो प्रॉफिट होगा ये $25 हो जाएगा। समझ रहे हैं, तो यहाँ पे जितना ज्यादा लिवरेज होगा उसके ही अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि हम लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे। सपोज दैट प्राइस यहाँ पे चल रहा है $10,000, ठीक है, और यहाँ पे आपने $100 का ट्रेड लगाया, आपने यहाँ पे कर दिया शॉर्ट, लीवरेज आपने यहाँ पे लिया हुआ है 10x का, ठीक है, आपने 10x का लीवरेज लिया हुआ है। और जब प्राइस अगर यहाँ पे 5% डाउन आता है, क्योंकि आपका यहाँ पे शॉर्ट है, तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। कैसे होगा, यहाँ आपका जितना परसेंट डाउन आ गया मार्केट आपने शॉर्ट किया हुआ वो, और जितना आपका यहाँ पे लीवरेज है जितना यक्स, ठीक है, उसका आपको यहाँ पे गुणा कर देना, तो यहाँ पे 10 × 5 यानी 50% आ गया, तो आपका 50% प्रॉफिट होगा कितने पे, जितना आपने ट्रेड लगाया उस अमाउंट का, ठीक है। तो $100 का आपने ट्रेड लगाया तो 50% हो गया $50, तो आपके यहाँ पे $50 का प्रॉफिट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं लॉस की। सपोज दैट $10,000 का प्राइस चल रहा है और यहाँ पे आपने $200 का ट्रेड लगाया हुआ है 5x लीवरेज के साथ, आपने यहाँ पे कर दिया है लॉन्ग। अब यहाँ पे लॉन्ग आपने किया तो लॉस तब आपका होगा जब ये प्राइस यहाँ पे डाउन जाएगा, ठीक है, बिटकॉइन का प्राइस डाउन जाएगा तो आपका यहाँ पे लॉस होगा। अब यहाँ पे प्राइस जो है कि 1% डाउन आ गया तो आपका कितना लॉस होगा, आपने कितना लीवरेज लिया था 5x का, तो जितना परसेंट मार्केट डाउन आया है उतने में जितना आपने लीवरेज लिया है उसका आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो यानी 5x × 1% यानी कितना आ गया 5%, ठीक है, तो आपका 5% लॉस हो जाएगा। $200 का 5% कितना होगा $10, ठीक है, तो आपका यहाँ पे $10 लॉस हो जाएगा अगर आप वहां पे ट्रेड क्लोज करते हैं तब। अगर क्लोज नहीं करते हैं, वेट करते हैं, तो क्या पता प्राइस वहां से ऊपर चला जाए तो आपका वहां पे प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो सिस्टम जो है इसी तरह से यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको दिखाता है कि आपका लॉस कितना चल रहा है, प्रॉफिट कितना चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे लिक्विडेशन प्राइस आपका यहाँ पे यानी इस प्राइस पे अगर आ गया तो आपका फंड पूरा खलास हो जाएगा, खत्म, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया कि लॉस एंड प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, उसके साथ साथ लिक्विडेशन प्राइस कैसे कैलकुलेट होता है। अब देखिए हर एक्सचेंज पे आपको जो है कैलकुलेटर मिल जाता है, एक्सचेंज वाले प्रोवाइड करके देते हैं, आप यहाँ पे अपना निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे बैनांस ओपन किया हुआ है, यहाँ पे एक कैलकुलेटर का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड डैशबोर्ड ओपन है, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेटर के ऑप्शन पर अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे देखेंगे P&L मतलब प्रॉफिट एंड लॉस आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपने यहाँ पे लॉन्ग किया हुआ है या फिर आप शॉर्ट के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल अभी मैं आपको यहाँ पे लॉन्ग करके दिखा रहा हूँ कि आप यहाँ पे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे एंट्री प्राइस मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाल दिया $10,000 एंट्री प्राइस हो गया, तो यहाँ पे इसको 20x रहने देते हैं। यहाँ पे एंट्री प्राइस मैं फिर से डाल देता हूँ, यहाँ पे बैक हो गया था। अब यहाँ पे एग्जिट प्राइस आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, मतलब आप कितने पे क्लोज कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे अगर $15,000 चला गया तो हमारा कितना प्रॉफिट होगा। यहाँ पे क्वांटिटी आपको यहाँ पे डाल देना, मतलब अगर आपने $100 का ट्रेड लगाया हुआ है तो आपको यहाँ पे डाल देना है, और यहाँ पे जो है आपको कैलकुलेट पे क्लिक कर देना, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा आपका कितना यहाँ से प्रॉफिट होने वाला है। यहाँ पे BTC की जगह आपको यहाँ पे USDT सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने BTC का लगा दिया 100। यहाँ पे मैं फिर से कैलकुलेट पे क्लिक कर देता हूँ, तो अब आपको यहाँ पे रिजल्ट दिख जाएगा। आपने एंट्री कितना किया था $10,000 के प्राइस पे, लीवरेज आपका यहाँ पे था 20x का, ठीक है। उसके बाद हमने कितना क्वांटिटी लगाया था $100 का, हम यहाँ पे एग्जिट प्राइस कितना है हमारा $15,000 का, तो हमारे यहाँ टोटल कितना प्रॉफिट होगा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये हमारा ये प्रॉफिट है $50 का प्रॉफिट है, और 1000% हमारा प्रॉफिट है, क्योंकि यहाँ पे $10,000 से $15,000 प्राइस गया, तो यानी 50% प्राइस अप हो गया, और यहाँ पे हमारा जो लिवरेज था वो 20x का था, तो यहाँ पे दोनों का हम गुणा कर देंगे तो 1000% आ जाएगा, ठीक है, इतना हमारा प्रॉफिट होगा। अब 1000% का मतलब हो गया कि हमारा अगर $100 था तो यानी 10 गुना हो गया, ठीक है, तो हमारा कितना प्रॉफिट हो गया भैया, तो यहाँ पे आपका कितना प्रॉफिट हुआ 1000% का प्रॉफिट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे गलत दिख रहा है शायद मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो 1000% तो दिखा रहा है, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे P&L अगर आप देखेंगे तो भैया $50 ही खाली दिखा रहा है। ये जो $50 दिखा रहा है ये कितना परसेंट हुआ, खाली 50% ही दिखा रहा है, लेकिन यहाँ जो ओवरऑल टोटल प्रॉफिट हुआ वो होता है 1000%, तो यहाँ पे जो कुल प्रॉफिट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा
$1,000 का, ठीक है, $1,000 का आपका प्रॉफिट होगा, क्योंकि यहाँ पे आपने $100 का आपने ट्रेड लगाया था, उसका 1000% होता है $1,000, ठीक है। तो यहाँ आपका $1,000 प्रॉफिट होगा, जो कि आपका यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा इधर मेरे हिसाब से आ रहा है, बाकी बाइनेंस किस हिसाब से कर रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन आपका जो टोटल प्रॉफिट होगा वो $1,000 का प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से आप यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे शॉर्ट अगर आप करेंगे तो कितना आपका प्रॉफिट होगा, लॉन्ग आप करेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा, किस प्राइस पे, कितने लीवरेज पे, वो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं यहाँ पे एंट्री प्राइस हमने यहाँ पे $10,000 डाल दिया और यहाँ पे एग्जिट प्राइस यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कम, तो हमारा देखेंगे कितना लॉस होता है। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ कैलकुलेट, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 400% का हमारा यहाँ पे लॉस होगा, $20 खाली। भैया $100 का 400% $400 हो जाएगा ना, लेकिन यहाँ पे खाली 20 ही दिख रहा है, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन गलत दिखा रहा है। अब यही आप देखिए, अगर आपको यहाँ पे सही चीज़ नहीं पता है, अगर आपको कैलकुलेशन करना नहीं आता है, तो ये ससुरे जो एक्सचेंज वाले हैं वो भी गलत डाटा यहाँ आपको दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे भैया झोल हो जाएगा। तो आपको इसीलिए मैंने बता दिया कि आप यहाँ पे आपको खुद से ही सीखना चाहिए मैनुअली कि हम यहाँ से कैसे प्रॉफिट एंड लॉस के साथ साथ लिक्विडेशन प्राइस हम यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं, समझ रहे हैं। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे वीडियो बनाने की जरूरत समझ में आ गई आप सभी लोगों के लिए। तो आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कोई और भी क्योरी है अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से मैं दोबारा से वीडियो बनाने के लिए मैं प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों एनदर टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।